प्रेरितों के कामों का वर्णन 17वां अध्याय। फिर वे अम्फीपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और तीन सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं, और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तिमुथियुस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोई की पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर
हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस अरियुपगी था और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे।